खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से है, जहां थाना इनायत नगर जिला अयोध्या बसावा की रहने वाली 27 वर्षीय महिला नीलम को दबंगों ने घर में घुसकर बुरी तरह से पीटा और लहूलुहान कर दिया। आपको बताते चले कि दबंगों ने महिला को इस कदर मारा है कि उसके शरीर में गहरे चोट के निशान साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके ऊपर जो जानलेवा हमला किया गया उसमें उसके अपने ही सगे संबंधी हैं। पीड़ित महिला का ये भी कहना है कि उसके पूरे शरीर पर दांत से काटा गया है, जिसके चलते उसके हाथ और पीठ पर गहरे जख्म के निशान दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर जब पीड़िता स्थानीय कोतवाली थाना इनायतनगर पहुंची तो संबंधित हलका के दारोगा उसका FIR दर्ज ना करके उसको वहां से भगा दिए। पीड़ित महिला का दारोगा पर आरोप है कि दारोगा ने यह कहकर मना कर दिया कि तुम्हारा FIR दर्ज नहीं करेंगे और विपक्षी से तुमको और मरवाएंगे। ऐसा हो देख पीड़िता ने अयोध्या के तत्कालीन SSP के यहाँ शिकायती प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। तो वहीं महिला का ये भी कहना है कि उसके मेडिकल रिपोर्ट में जिला चिकित्सक के द्वारा मामूली खरोंच का निशान दिखाया गया है। फिलहाल आबादी की जमीन को लेकर इन दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। पीड़ित महिला का स्थानीय थाना इनायत नगर की पुलिस ने आरोप है कि FIR लेने से उन्होंने मना कर दिया और वहीं विपक्षियों को FIR दर्ज कर लिया है। पीड़ित नीलम ने यह भी बताया कि उसके 6 माह के बच्चों को भी दबंगों ने मारा है, उसे दांत से काट कर घायल कर दिया है। क्या थाना इनायत नगर की पुलिस अपनी कुमकर्णी नींद से जाग कर इस महिला का FIR दर्ज करवा पाएगी या फिर नहीं, इसकी जवाबदेही पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की बनती है। फिलहाल पीड़िता नीलम ने भी SSP के यहाँ शिकायत प्रार्थना पत्र देकर न्याय का दरवाजा खटखटा चुकी है। हमारे घर के आबादी के लेके मैटर है, जो हम गए ने ऊपर कब्जा कर रहे थे हमारे विपक्षी कर मैटर, तो हमने उनको रोकने की कोशिश की, तो फिर शीला गुंजा रमेश इतने लोग जो साहब हम रोक रहे थे, तो उन्होंने हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया और यह सब दांत से काट लिए हैं और हमें जान से मारने की धमकी दे रहे थे सब, यह सब पूरा साहब काट लिए हैं। कहते हैं साहब हमारी सुनवाई नहीं होती है, वो सब कहते हैं कि जब अगर ये आए तो इसका हाथ गोड़ तोड़ कर इसे जेल के अंदर कर दो, उसके बाद में जो हम वहाँ जाते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं होती है। कहते हैं कि थाना चौकी सब हमारी मुट्ठी में है, कहती हैं जाइए आप जहाँ मर्जी तहाँ जाइए। उनके करमैता कहती हैं, शीला गुंजा रमेश कहते हैं कि आपकी सुनवाई कहीं नहीं हो।